प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे के दौरे पर, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। देश तरक्की में उल्लेखनीय योगदान के लिए पीएम को दिया जा रहा है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में कई मुद्दों को लेकर शोर शराबा जारी रहा, प्रश्नोत्तर काल बाधित। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कांके और ओरमांझी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का लिया जायजा, छात्राओं को दिए सफलता के मंत्र। और ईडी ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को फर्जी दस्तावेज पर जमीन खरीदने के मामले में किया गिरफ्तार, आज पीएमएलए के विशेष अदालत में किया जाएगा पेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं कामिनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे के एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री पुणे में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमंत्री द्वय देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, तिलक पीएम यही ना। और अब सीधे चलते हैं पुणे, जहां प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे दौरे के क्रम में देश की तरक्की में उल्लेखनीय योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री मोदी यह पुरस्कार पाने वाले 41वें व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, ब्रिज क्षेत्र और झारखंड समेत अन्य राज्यों के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उसकी तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में इन क्षेत्रों के सांसदों के अलावा भाजपा प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल थे। बैठक में इन सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों तक पहुंचने और उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराने के लिए कहा गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सांसदों के समूहों के साथ होने वाली बैठकों की श्रृंखला की पहली बैठक थी। वहीं कल दूसरी बैठक संसद स्थित एनएक्सी बिल्डिंग में हुई। इस ग्रुप में ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के एनडीए सांसदों ने हिस्सा लिया। इसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पिछले 25 वर्षों से देश की सेवा में लगा है और 25 वर्षों से देश के अंदर लगातार विकास के लिए, लगातार देश के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आए उसके लिए लगा और आज 25 वर्ष पूरे होने पे ये कार्यक्रम हुआ। 25 वर्षों में देश के विकास में एनडीए की सबसे बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की इस आज 25 वर्ष पूरे होने पर ये बैठक। मणिपुर के मुद्दे पर आज भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी रहा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी यही हाल देखने को मिला। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी विपक्षी सदस्यों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 तक के लिए स्थगित कर दी गई।
मिस्टर रणदीप सुरजेवाला टुडे यू आर सो वेल ड्रेस्ड इट हैज बीन नोटिस्ड इधर झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी विधानसभा परिसर में भाजपा के सदस्यों ने कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन शोर शराबा जारी रहा। हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल के दौरान कई सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया, जिसका जवाब प्रभारी मंत्रियों ने दिया। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पेशा कानून घोषित किए बगैर खनिजों के उत्खनन पर रोक लगाने का मामला उठाया, जिसका जवाब मंत्री बादल ने दिया। अध्यक्ष महोदय, सारी बातें स्पष्ट की कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, सारी बातें स्पष्ट कर दी गई। अध्यक्ष मंत्री जवाब दे रहा है, बैठिए। और जिस नियम कानून की बात वो कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो नियमावली 2004 के संशोधित के नियम 13 के तहत कि यह कार्य जो है नियम 11(क) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में खनन पट्टे की स्वीकृति के पूर्व ग्राम सभा का स्वतंत्र एवं पूर्ण संसूचित सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, उसी प्रावधानों के अनुरूप किया गया। संताल परगना के परगनैत को भी मानकी की तरह प्रति महीने 3,000 रूपये सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संताल परगना के विभिन्न जिलों के परगनैत को मानदेय देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। संताल परगना में परगनैत ही आदिवासी सामाजिक व्यवस्था को गांव पंचायत स्तर पर नेतृत्व प्रदान करते हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके पहुंचकर विद्यालय की विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने यहां बढ़ रही छात्राओं से संवाद किया और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्यपाल ने विद्यालय में मौजूद लैब और बच्चों द्वारा किए जा रहे इनोवेटिव प्रयासों की भी जानकारी ली। पढ़ाई में बेहतर करने वाली दो छात्राओं को मेडल देकर राज्यपाल ने सम्मानित भी किया। इस दौरान राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि अगर उन्हें विद्यालय में किसी भी प्रकार की सुविधा होती है तो वे शिक्षकों को शेयर करें। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों से समय समय पर नेत्र जांच शिविर लगाने को भी कहा। इसके बाद राज्यपाल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उरमांझी भी पहुंचे और वहां उन्होंने छात्राओं से संवाद किया एवं उन्हें अपने जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसी परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय भी अवस्थित है, वहां की छात्राओं से भी राज्यपाल ने संवाद किया। राज्यपाल ने छात्राओं को कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बाल संसद की एक छात्रा द्वारा राज्यपाल से जीवनी बताने का आग्रह किया गया, जिस पर उन्होंने बताया कि वे भी बचपन में अपने गांव में ही सरकारी विद्यालय में पढ़े, फिर दो बार सांसद रहने से लेकर राज्यपाल बनने तक के अपने संघर्ष की कहानी भी बताई। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रस्तुत किया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कल मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में दिवंगत माकपा नेता सुभाष मुंडा के रांची के दलादली स्थित आवास जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने दिवंगत माकपा नेता के परिजनों को सांत्वना भी दी। श्री ठाकुर ने इस दौरान इस हत्या में संलिप्त अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कल गिरिडीह चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने गिरिडीह शहर एवं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की रेल सुविधाओं से संबंधित रेल मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इस पर रेल मंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में आयोजित होने वाले दो दिवसीय राजकीय कार्यक्रम की तैयारियों का मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने कल जायजा लिया। इस दौरान श्री चौबे ने जेल चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय स्थल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिये। म्यूजियम के प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस म्यूजियम के अंदर पुराने जेल को रंगरूप करके उसे पूरा रेनोवेट कराकर जितनी भी इस राज्य की झलकियां हैं उसका पहले से ही प्रस्तुतिकरण हो रहा है और बगल में एक बहुत मेजर पैमाने पे गार्डन बना के लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची में हुए जमीन घोटाले मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को कल देर रात गिरफ्तार किया। उन पर चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीदने का आरोप है। आज उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। रांची में हुए जमीन घोटाले मामले में यह 13वीं गिरफ्तारी होगी। इससे पूर्व ईडी जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राजकीय पिछड़ी जाति बालिका प्लस टू आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रगति छात्रावास भवन की आवश्यक मरम्मत कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रेरणा छात्रावास की जर्जर स्थिति को देखते हुए इसे ध्वस्त कर फिर से बनाने का निर्देश दिया। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक रसोई गैस की कीमतों में कटौती की है। लागू हो गई हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1680 रुपए में मिलेगा, जो पहले 1780 में मिल रहा था। मुंबई में ये 1640 और 50 रुपए में, और इसकी पहले इसकी कीमत थी 1733.50 रुपए। चेन्नई में इसकी कीमत घटकर 1852.50 रुपए हो गई है, पहले ये 1945 रुपए में मिल रहा था। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के समग्र विकास को तीव्र गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। इससे राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना से लॉजिस्टिक्स पर आने वाले खर्चों की कमी, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना और सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगने वाले समय को कम करने में सफलता मिलेगी। की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत एकीकृत आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास, बेहतर व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए आपस में जुड़े और मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की परिकल्पना की गई है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, जलमार्ग, दूर संचार आदि जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के बीच एकीकरण और तालमेल स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। प्राइम मिनिस्टर्स गतिशक्ति मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड। इट्स अ टूल विच हेल्प्स यू ऑन द बेसिस ऑफ जीआईएस टू ऑप्टिमाइज and standardize the efforts involved in planning, designing and execution. This not only reduces the cost of projects but also reduces the time delays, the gestation period. PM Gati Shakti पहल के तहत विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा 85 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है,
जिन्हें नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप द्वारा देखा गया है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 5.40 लाख करोड़ है। इसके अलावा राज्यों ने पीएम गतिशक्ति के तहत 205 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की है, जिनकी अनुमानित लागत 5,496 करोड़ रूपए है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों द्वारा बढ़े हुए पूंजीगत व्यय के लिए वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के भाग 2 के माध्यम से रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। पीएम गतिशक्ति के तहत यदि अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो रेलवे से संबंधित परियोजनाओं के तहत पीएम गतिशक्ति ढांचे में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रेलवे भूमि के प्रबंधन की नीति पर एक मास्टर परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें कार्गो से संबंधित गतिविधियों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और रेलवे विशेष उपयोग आदि के लिए रेलवे भूमि को पट्टे पर देने के प्रावधान शामिल हैं। संशोधित रेलवे भूमि प्रबंधन नीतियां बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास को सक्षम बनाएंगी। बंदरगाहों और शिपिंग क्षेत्र में पीएम गतिशक्ति पहल के तहत अब तक बंदरगाहों और शिपिंग के संबंध में 101 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसके कार्यान्वयन के लिए 60,872 करोड़ रूपए रखे गए हैं। इनमें से 13 परियोजनाओं पर 4,400। और अब आपको लिए चलते हैं पुणे, जहां प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ये पुण्य भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, ये चाफेकर बंधुओं की पवित्र धरती है। इस धरती से ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की प्रेरणाएं और आदर्श जुड़े हैं। अभी कुछ ही देर पहले मैंने दगड़ूसेठ मंदिर में गणपति जी का आशीर्वाद भी लिया। ये भी पुणे जिले के इतिहास का बड़ा दिलचस्प पहलू है। दगड़ूसेठ पहले व्यक्ति थे जो तिलक जी के आह्वान पर गणेश प्रतिमा की सार्वजनिक स्थापना में शामिल हुए थे। मैं इस धरती को प्रणाम करते हुए इन सभी महान विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज पुणे में आप सबके बीच मुझे जो सम्मान मिला है, ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। जो जगह, जो संस्था सीधे तिलक जी से जुड़ी रही हो, उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस सम्मान के लिए हिंद स्वराज संघ का और आप सभी का पूरी विनम्रता के साथ हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर ऊपर ऊपर से थोड़ा नजर करें तो हमारे देश में काशी और पुणे दोनों की एक विशेष पहचान है। विद्वत्ता यहां पर चिरंजीव है, अमरत्व को प्राप्त हुई है। और जो पुणे नगरी विद्वत्ता की दूसरी पहचान हो, उस भूमि पे सम्मानित होना जीवन का इससे बड़ा कोई गर्व और संतोष की अनुभूति देने वाली घटना नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों, जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आज जब उस अवार्ड से तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ हो,
तो दायित्व बोध और भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी सेवा में, उनकी आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। जिनके नाम में गंगाधर हो, उनके नाम पर मिले इस अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूं। मैंने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देने का निर्णय लिया है। साथियों, देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में 8.2% की वृद्धि हुई है। सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और बिजली का उत्पादन पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकाबले बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 40.27% हिस्सा इन 8 प्रमुख उद्योगों का है। वहीं मार्च 2023 के लिए 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर को 3.6% से संशोधित कर 4.2% कर दिया गया है। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने राजकीय श्रावणी मेला परिसर में लगाए गए प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस दौरान वे संध्या आरती में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए बाबा धाम के इतिहास से संबंधित प्रदर्शनी के साथ साथ संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पावन त्यौहार के दौरान अभी जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पे शिवलोक में ये प्रदर्शनी लगाई गई है और साथ साथ में देवघर को, क्योंकि एक कल्चरल कैपिटल के तौर पे हम झारखंड राज्य के बारे में जानते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे देवघर में शिवलोक परिसर में जो झारखंड की कल्चरल ये है झांकियां हैं उनका भी यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के गोलमुरी स्थित न्यू लाइफ नर्सिंग होम के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शुभेंदु मंडल ने बताया कि अक्सर कानों की सही देखभाल लोग नहीं करते, इसका खामियाजा भविष्य में उठाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में कान के पर्दे क्षतिग्रस्त होने से संबंधित इलाज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्ष की ओर रवाना कर दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के इर्द गिर्द कक्षाओं में चक्कर पूरा कर लिया है और अब यह चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। देर के लिए चालू भी किया। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वो 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन प्रक्रिया को अंजाम देगी। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को भारत के हैवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 द्वारा कॉपीबुक शैली में 14 जुलाई 2023 को कक्षा में स्थापित किया गया था। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में एक प्रणोदन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। मिशन का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा की धरती पर सुरक्षित लैंड कराना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीएम सुरक्षा में कार्यरत विशेष शाखा के इंस्पेक्टर सुनील टोपनो की सेवानिवृत्ति पर उन्हें भावभीनी विदाई दी। मुख्यमंत्री ने श्री टोपनो की कर्तव्यनिष्ठा एवं व्यक्तित्व की सराहना की तथा उनके उज्जवल भविष्य एवं स्वास्थ्य दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों एवं महिलाओं के विरुद्ध अमर्यादित एवं विद्वेषपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए YouTube एवं Facebook पर वीडियो अपलोड कर प्रसारित करने के आरोप में एक युवक को गढ़वा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार टीपू सुल्तान खान उर्फ
समर गढ़वा थाना क्षेत्र के दरमी गांव का रहने वाला है। आपराधिक घटना की योजना बनाते मेदिनीनगर अस्पताल चौक बड़ा तालाब के पास से लोडेड देसी कट्टा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक युवक मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी कट्टा, एक गोली, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। रांची रेल मंडल द्वारा पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया एवं उनके निदान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। जमीन विवाद में चचेरे भाई ने ममेरे भाई एवं महिला के सहयोग से हत्या कर शव दफना दिया था। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 महीने बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को बाहर निकाला एवं हत्या में शामिल शिबू मुंडा एवं जीत सिंह मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पलामू के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सभी ईआरओ एईआरओ के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। रांची स्थित गॉसनर कॉलेज के आईक्यूएसी सेल और इंडियन ओवरसीज बैंक ने मिलकर एक दिवसीय वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय विकास की संभावनाओं एवं बैंकों से आसानीपूर्वक लोन लेकर अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस को एक आपराधिक गिरोह के सक्रिय सदस्य दिगंबर प्रजापति उर्फ डेगू को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई झारखंड एटीएस और चाईबासा पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। आज से इंटर सप्लीमेंट्री की परीक्षा शुरू हो रही है। इसे देखते हुए राजधानी रांची के परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू किया गया है। यह व्यवस्था 1 अगस्त से 8 अगस्त तक रहेगी। इस दौरान 5 या 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी। रांची में तिरंगे के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में डेली मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। मुहर्रम जुलूस के दौरान प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट राणा बराइक ने डेली मार्केट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के सभागार में परियोजना निदेशक प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में रामगढ़ जिले में बारिश की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सभी प्रसार कर्मियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में फसलों के आच्छादन का आकलन यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे के दौरे पर, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। देश तरक्की में उल्लेखनीय योगदान के लिए पीएम को दिया जा रहा है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में कई मुद्दों को लेकर शोर शराबा जारी रहा, प्रश्नोत्तर काल बाधित। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कांके और ओरमांझी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का लिया जायजा, छात्राओं को दिए सफलता के मंत्र। और ईडी ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को फर्जी दस्तावेज पर जमीन खरीदने के मामले में किया गिरफ्तार, आज पीएमएलए के विशेष अदालत में किया जाएगा पेश।